नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे बिना कस्टम ड्यूटी के, बिना फ्रेट के, बिना शिपिंग कॉस्ट के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली लीगल है, कम्प्लीटली ऑथोराइज है और कम्प्लीटली रिस्क फ्री है। तो ये अगर आपको इंटरेस्टेड है कि आपको कैसे इंपोर्ट करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम्स फ्रेट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और इन्फॉर्मेशन मेरी एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों को। और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी क्या कहते हैं लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर छोटे वीडियोज़ डालता हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ रिगार्डिंग कस्टम्स, रिगार्डिंग फ्रेट, रिगार्डिंग इम्पोर्ट, रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग जनरल बिजनेस। तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रिगार्डिंग कस्टम्स, रिगार्डिंग एवरी अदर बिजनेस। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वाया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अब आपने अपना पर्सनल इम्पोर्ट कर लिया है, आपने अपना सप्लायर ढूंढ लिया है, अपना बायर ढूंढ लिया है, अपना मोड ऑफ पेमेंट आपको हो गया है कि पेमेंट सेफ है, सप्लायर को करना या बायर को कर उसको एजेंट को करना। अब आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इंपोर्ट करें और मार्केट में सेल करें। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप कौन सा आइटम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें इंडिया में क्या कंप्लाइंस है, कितना फ्रेट लगेगा, कितना शिपिंग कॉस्ट लगेगा, कितना पैकिंग कॉस्ट लगेगा, ओवरसीज़ में ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा लगेगा। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है नए नए इम्पोर्टर्स को, जो नए नए इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे ईजी तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक मोड होता है, एक मोड होता है आपका कार्गो, एक मोड होता है कुरियर। अब कार्गो में एक मोड होता है जिसमें कि आप चाहते हैं कि आप इम्पोर्ट करें कोई चीज़ बल्क में, कमर्शियल लेवल पे, काफ़ी सारा आइटम जो कि कमर्शियल लेवल में आएगा उसको आप इम्पोर्ट करें, बट आप चाहते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट यूज़ ना हो, आपका कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपको यहाँ के एजेंट से, कस्टम क्लियरेंस एजेंट से, फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट से, शिपिंग एजेंट से, ओवरसीज़ के एजेंट से, सप्लायर से, ओवरसीज़ का जो मिडिल मैन है, ओवरसीज़ का जो ट्रांसपोर्टर है, ओवरसीज़ का जो कस्टम क्लियरेंस वाला बंदा है, इन सब से आप अलग अलग कोऑर्डिनेट ना करें क्योंकि आपको पता भी नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर ऐसा बंदा ढूंढें जो आपका माल वहाँ से उठाए और आपके दरवाजे पर ला के छोड़ दें। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये होगा इस तरीके से कि कई ऐसे एजेंट होते हैं इंडिया में जिनके ओवरसीज़ में, मतलब चाइना में बेसिकली, क्योंकि चाइना में ही मोस्टली इस टाइम पे ये बिज़नेस चल रहा है, जिनके इंडियन एजेंट होते हैं उनके ओवरसीज़ में एजेंट होते हैं जिनका ओवरसीज़ में ऑफिस होता है, जो इंडियन बंदे होते हैं बेसिकली, उन्होंने ऐसा ऑफिस खोला होता है जिसमें कि 10 बंदों का एक वेयरहाउस भी उन्होंने लिया होता है, 10 बंदों का वो माल लेते हैं। सपोज़ आपका है 200 किलो माल, किसी और का है 300 किलो माल, किसी और का है 400 किलो माल, ऐसे करके एक पर्टिकुलर क्वांटिटी वो इकट्ठा करते हैं, कंसोल बनाते हैं, कंसोल कहते हैं बेसिकली इसको हमारे लैंग्वेज में, कंसोल बनाते हैं, बहुत सारे बंदों का बहुत सारा आइटम हो गया। अब वो क्या करते हैं, वो जो उनकी ओवरसीज फर्म है वो फर्म उनके इंडियन फर्म को इनवॉइस करती है। इंडिया में एक सेटअप है फर्म, एक सेटअप है ओवरसीज़ में, तो ओवरसीज़ की जो फर्म है उन सबको कंसोलिडेट करके एक पर्टिकुलर इनवॉइस के अंडर ले आती है, जो वो अपने कंपनी के नाम पे इंडियन कंपनी को इनवॉइस करता है। तो ये सारा जो 10 बंदों का माल था वो उसी एक इनवॉइस के अंदर आ गया, 10 इनवॉइस नहीं है, 10 सप्लायर से आया, 10 सप्लायर से एक पर्टिकुलर कंपनी के वेयरहाउस में आया, उस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना इनवॉइस इशू किया इंडियन एजेंट को, इंडियन कंपनी को। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो 10 सप्लायर हैं, 10 कंसाइनी हैं इंडिया में, जिन 10 बंदों का माल है ओवरसीज के पास, उन सबका इनवॉइस अलग अलग आपको कस्टम क्लियरेंस नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर 10 बंदों का माता 10 कंपनी से इनवॉइस बनके, तो 10 जगह पे कस्टम क्लियरेंस होता है, आपको 10 बार एजेंसी देनी पड़ती है इंडिया में। तो इसमें क्या होता है कि ओवरसीज़ का जो एजेंट है कंसोल बनाता है, एक इनवॉइस के अंदर सारे के सारे आइटम्स को कंसोलिडेट करता है, एक इनवॉइस वो इशू कर देता है उनसे इंडियन फर्म को। अब क्या हुआ, इसमें आपको क्या होता है कि इसमें आपको ना आपकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है आईसी कोड की, ना आपको फ्रेट वाले से अलग से बात करनी है, ना आपको कस्टम क्लियरेंस वाले से अलग से बात करनी है, ना आपको शिपिंग एजेंट से अलग से बात करनी है, आपको सिर्फ उस फर्म से बात करनी है जिस फर्म के थ्रू आप यहाँ पे मंगवा रहे हैं, जिस फर्म को आपका ओवरसीज वाले फर्म ने इनवॉइस इशू किया, जिस फर्म, जिस बंदे को आपने यहाँ हायर किया है अपने सारे माल को लाने में। अब
इसको कहते क्या इंडिया में, देखिए इसको इंडिया में बेसिकली दिल्ली में दो नाम है इसके, एक है कैरिंग, एक है पैकेज। अब क्या ये लीगल है? देखिए बिल्कुल लीगल है, इनलीगल नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप ऐसे 10 बंदों का माल इकट्ठा करके नहीं ला सकते। ये इनलीगल तो बिल्कुल नहीं है, लोग कर रहे हैं। जब तक आप माल सही उतार रहे हैं, जब तक आपका जो आइटम है वो बैन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, या कुछ ऐसा आइटम नहीं है जो कि आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तब तक ये लीगल है। अब क्या रिस्क फ्री है? देखिए बिल्कुल रिस्क फ्री है, क्योंकि कई लोग कर रहे हैं। जब तक आपके आइटम में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो आइटम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जब तक वो आइटम बैन नहीं है, या उसमें कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है जो कि बिना सर्टिफाई किए वो ला रहे हो, तो तब तक वो लीगल है, बिल्कुल रिस्क फ्री है, बिल्कुल लीगल है। आपने जो इंडिया में लोग हायर करते हैं, क्या ये भरोसे वाले लोग हैं? जी देखिए, भरोसा तो हमारे ट्रेड में करना ही पड़ता है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल भरोसे पर ही चलती हैं हमारे ट्रेड में। आपको अब आपके अगर सब बढ़िया, सबसे बढ़िया ये होता है कि आप अपने रेफरेंस के थ्रू या कोई जानने वाला हो जो ऑलरेडी ये काम कर रहा हो उसके पास जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई लोग यू नो हवाबाजी कर देते हैं, बाद में कोई दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपका जानने वाला है, आपको किसी ने रेफ़र किया है, रेफरेंस दिया है इस बंदे का कि ऑलरेडी काम कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप उसके पास जाएँ। अब ये लोग चार्ज कैसे करते हैं? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये लोग चार्ज कैसे करते हैं। अब देखिए, अगर आप अपना माल लेके आते खुद, तो आपको ओवरसीज़ में कस्टम क्लियरेंस देना पड़ता, ओवरसीज़ में आपको शिपिंग कॉस्ट देना पड़ता, वाया एयर लाओ या वाया आप वो लेके आओ सी। फिर आपको इंडिया में आने के बाद पोर्ट हैंडलिंग, पोर्ट चार्जेस, टर्मिनल हैंडलिंग, इनलैंड हॉलेज, ये सारी दुनिया भर की चीज़ें देनी पड़ती, फिर कस्टम क्लियरेंस देना पड़ता। तो ये सारा पैसा वो लोग नहीं लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जिस एजेंट को आपने इंडिया में हायर किया है, वो आपको पहले ही माल को उठाने से पहले, अपने वेयर हाउस में माल को मंगवाने से पहले, इंडिया में ही जब आप बोलेंगे कि मेरा इतना किलो माल है इस पर्टिकुलर जगह से आना है, तो वो इन वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का, उसके वेयर हाउस तक, वेयर हाउस में कंसोलिडेटिंग का, पैकिंग का, फिर ओवरसीज़ में कस्टम क्लियरेंस का, शिपिंग का, यहाँ पे इंडिया के पोर्ट के हैंडलिंग चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस इंक्लूडिंग ड्यूटी, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि आपको मैं एक किलो, आपके एक किलो माल पे मैं इतना पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करूँगा, जिसके अंदर की सारी चीज़ें होंगी, और इतने पैसों के अंदर मैं आपका माल आपके दरवाजे तक छोड़ दूँगा। कई बार ये होता है कि वो पर्टिकुलर आइटम पे चार्ज करते हैं, एक पर्टिकुलर आइटम आपका अगर आइटम बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत कम है बट बड़ा है, तो वो कई बार आइटम पे चार्ज होता है। कई बार जब आप बल्क में मंगवाते हैं तो पर किलो पे चार्ज होता है। तो ये बेसिकली दो फंडे होते हैं इसके चार्ज के, कि जो आपसे वो इंडियन एजेंट चार्ज करेगा, वो चार्ज करेगा या तो किलो पे या तो आपके पर्टिकुलर आइटम पे। अब आपको देख रहे हैं कि उसका चार्ज देने के बाद आपको इतनी कॉस्टिंग पड़ रही है कि आप उसके ऊपर अपना प्रॉफिट जोड़ के मार्केट में बेच सकें, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा सबसे पहले। कई बार आप ये कर सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे आप इन लोगों से मंगवा लो, फिर जब आपका बहुत क्वांटिटी हो जाए, आपका मार्केट सेट हो जाए इंडिया में, आप बेच रहे हो, तो आप फर्दर कॉस्ट को कट करने के लिए डायरेक्ट सप्लायर से उठाओ। थोड़ा सा आपको स्ट्रेस ज़्यादा लेना पड़ेगा चार बंदों से कोऑर्डिनेट करके, बट आपका पैसा बहुत सारा बच जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे जब आपने पर्सनल इंपोर्ट करा लिया, मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट कर लिया, मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लिया, सारी चीज़ें सेट हो गई, अब आप चाहते हो कि छोटा सा कमर्शियल लेवल में आए, बट बहुत बड़ा नहीं, तो उस मिडिल वाला कमर्शियल लेवल है ना, मिडिल वाला लेवल, उस लेवल के लिए आप इन बंदों को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट नहीं लगाना, चार बंदों से बात नहीं करनी, चार जगह पे मेल नहीं करना, चार जगह पे पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस बंदों को हायर करो, या आपके बिहाफ पे सारा का सारा माल वहाँ से उठा के ले आएगा आपके दरवाजे तक, और आपसे पर किलो या पर आइटम पे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज कर लेगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन कि इसमें आप इम्पोर्ट क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें वो सब आइटम आप इम्पोर्ट कर सकते हैं जो आप जनरली इम्पोर्ट कर सकते हैं इंडिया में, जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो किसी लाइसेंस के अंदर नहीं आता, जो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी, अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे कि ADC, BIS या एनिमल क्वारंटाइन या प्लांट क्वारंटाइन या वाइल्ड लाइफ की आइटम जैसे होती है, जैसे लेदर हो गया, कोई LED प्रोडक्ट हो गया जो BIS सर्टिफाइड, जिसके लिए आपको BIS सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है इंपोर्ट करने से पहले। देखिए, इंपोर्ट चाहे आप ऐसे करें चाहे वैसे करें, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस ये कि आपके बिहाफ पे कोई और इंपोर्ट करके आपको घर के आपके दरवाजे तक छोड़ दे रहा है, ताकि आपका ज़्यादा स्ट्रेस और टाइम ख़राब ना हो। तो इसमें आप सारी चीज़ें आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी लीगल इंडिया में, जो भी आप जनरली इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में। तो ये वो वीडियो था, आप आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप लोग किसी पर्टिकुलर कैरिंग एजेंट को या पैकेज एजेंट को हायर करके कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, बिना कस्टम ड्यूटी दिए, बिना फ्रेट दिए, बिना कस्टम क्लियरेंस चार्जेस दिए, बिना ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन दिए, बिना लोकल ट्रांसपोर्टेशन दिए, इस तरीके से आप इंपोर्ट करके अपने घर तक मंगवा सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन सारे दोस्तों के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल पर फर्दर ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिगार्डिंग कस्टम्स, रिगार्डिंग